स्पीकर दे दो उनको। गलती से गड्डी बिफोर टाइम है, एक मिनट बाकी है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा अभी बैठक हुआ है, उस बैठक के कुछ फैसले शेयर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ कर्नाटक से हैं चमरसा माली पाटिल रायत संहिता के, विपिन पाटिल गुजरात से गुजरात खेड़ू समाज के, प्रतिभा शिंदे जी महाराष्ट्र गुजरात से हैं लोक संघर्ष मोर्चा के, राजू जी हैं रंजीत सिंह राजू जी राजस्थान से ग्रामीण किसान मजदूर समिति, शिव कुमार शर्मा कक्का जी हैं किसान महासंघ के मध्य प्रदेश से हैं, और हमारे बलबीर सिंह राज्यवाल जी हैं भारतीय किसान यूनियन पंजाब राज्यवाल जी से, राजेंद्र सिंह हैं कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से, जय किसान आंदोलन से योगेंद्र यादव जी, जगमोहन सिंह उत्पल भारतीय किसान यूनियन डकौंदा से, चौधरी हरपाल सिंह भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक, मैं दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब से। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने बहुत दिन से हमको सवाल उठा रहे हो कि केंद्र सरकार की तरफ से एक निमंत्रण आया है, आपका संयुक्त किसान मोर्चा की उसके बारे में क्या कहना है। मैं योगेंद्र जी को अर्ज करूंगा कि वो उस निमंत्रण के बारे में रखें, फिर बाद में हमारे प्रोग्राम क्या हैं और अलग अलग जगह क्या हो रहा है इस बारे में हमारे बाकी साथी आपसे बात करेंगे। योगेंद्र यादव जी, साथियों, जैसा आप जानते हो आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। सरकार हमें एक लेटर भेजती है, हमें दो दिन लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। पंजाब के सारे संगठन बैठ के राय बात करते हैं, बाकी देश के संगठन साथ में मिलके पूरी तरह डेमोक्रेटिक तरीके से जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं कुछ घंटे में हमें उसका भी जवाब आ जाता है, क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। सरकार की तरफ से जैसा आप जानते हैं हमारी पिछली चिट्ठी लिखने के बाद कुछ ही घंटों में हमें जवाब आ गया, सरकार की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जवाब आ गया। आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी, चिट्ठी में वो सब चलाकियां हैं, चिट्ठी में वो सब अर्ध सत्य हैं, और चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। सो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ये चिट्ठी है, बाकी हमारे सीनियर साथी उसका लॉजिक समझाएंगे। विवेक अग्रवाल जी संयुक्त सचिव सीईओ पीएम किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के नाम है। विषय है संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। महोदय, आपका दिनांक 24 दिसंबर 2020 का पत्र संख्या 9/2020 प्राप्त हुआ। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की। हमने पहली बातचीत से लगातार एमएसपी का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ऐसे दिखाती है मानो इस मुद्दे को हम पहली बार उठा रहे हैं। इस चिट्ठी के अंदर सेक्रेटरी साहब ऐसे कहते हैं, आप तो नए नए इश्यू लेके आ रहे हो एमएसपी के, अरे हम तो पहले दिन से इसका जिक्र कर रहे हैं। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं
कि सरकार किसानों की बात को आदर पूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए इसके बारे में गलत बयानी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। आप जानते हैं पूरा अमला लगा हुआ है किसानों के खिलाफ प्रचार करने में। पूरी भारत सरकार ने अपनी ताकत, ऊपर से नीचे के अपने मुलाजिम ड्यूटी लगा रखी है, कौन 500 को लेके आएगा, कौन क्या करेगा, ये दुष्प्रचार आप बंद करो। बहरहाल चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। अब हम ये प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को, जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना आप बता दो मुद्दे क्या है हम बात कर लेंगे। लो जी हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान, MSP की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना, इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं, यानी कि आइटम नंबर 1 रिपील करने की मॉडेलिटीज डिस्कस करेंगे। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। 40 किसान संगठनों के नेता वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा। तो ये चिट्ठी हम आज ही फाइनल किया है, भेज रहे हैं। आज की मीटिंग के इम्पोर्टेंट कुछ चीजें लोग राज्यवाल जी और दूसरे साथी एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि बाकी चीजों को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, आज मीटिंग में जो हमने फैसले किए हैं वो है हमारा आंदोलन का नेक्स्ट क्या स्वरूप होगा। एक तो पहले मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि हमने एक जनरल कॉल दे रखा है जो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है, किसानों के हक में पूरे देश में सैकड़े पक्के धरने लगे हुए हैं, नोट मोबिलाइज हो रहे हैं। एक दूसरा NDA पार्टनर्स को पूरे देश में उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को किसानों के डिमांड्स के पक्ष में ले आने के लिए उनके विरोध में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं पूरे देश में, अडानी अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स की गुड्स और सर्विसेज का बायकॉट का कॉल ऑलरेडी चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, ये किसी पर्टिकुलर डेट का नहीं है। इसके अलावा हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के
ये जो टोल प्लाजा है पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं, अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। नेक्स्ट 28 तारीख को 27 और 28 तारीख को पूरे बॉर्डर के जो हमारे ये लगे हुए धरने लगे हुए हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे का जो जादों का जो शहादत दिवस है वो पूरे 5 माकों के ऊपर मनाया जाएगा। वो शहादत दिवस 2 दिन के लिए 27 और 28 को। इसी तरह 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए, और 30 तारीख को हमारे राजेंद्र जी डिटेल में बताएंगे, 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। ये जो हाईवे है KMP, इसमें सिंगू से लेकर आगे टिकरी से जाके शाहजहां तक जाना, ये एक मार्च ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, इसका डिटेल में राजेंद्र जी बताएंगे। और साथ ही न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर का नया साल आने वाला है। 1 जनवरी को हमने काल दिया है दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के इर्द गिर्द के लोगों को, कि आओ नया साल हमारे साथ इस बॉर्डर्स के ऊपर, जो भी हमारा यहाँ लंगर चल रहे हैं, खाने हैं, चाय है, जो भी नाश्ता बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है, हमारे साथ ये आइए और फर्स्ट ईयर को, न्यू ईयर को हमारे साथ यहाँ एंजॉय कीजिए 1 जनवरी 2021 को। इसके साथ ही उधम सिंह का जन्मदिन भी है, ये जब साहिबजादों का शहादत दिवस है वो भी साथ ही यहाँ उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। अब मैं राजेवाल जी उधर से शुरू कर लीजिए, उधर कर लू। तो सबसे पहले मैं छोटे आज हमारे साथ नए कुछ साथी गुजरात से, कर्नाटक से आए हैं, उधर से हम शुरू करेंगे। सर अपना नाम और संगठन का नाम दोबारा बता देना, सबको याद नहीं। मेरा नाम है जामरसा माली पाटिल, कर्नाटक किसान संगठन। इस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने के लिए कर्नाटक से हम 20 किसानों ने इधर आया है, बाकी हमारा साथियों ने टकरी बॉर्डर में है। आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए हमारा प्रेसिडेंट बरगलपुर नागेंद्र है और नूर श्रीधर भी हमारे साथ है। ये सरकार ने कोशिश कर रहा है, ये आंदोलन से रहा है। अब मोदी जी ने ये हमारा जो 3 कानूनों को वापस नहीं लिया, तो अगर ये आंदोलन आगे चले तो हम साउथ इंडिया से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से, हर एक राज्य से 100-100 ट्रैक्टर लेके हम मार्च करेंगे, दिल्ली तक जरूर पहुंचेंगे। मोदी जी ने तुरंत इस मुद्दे पर ये करना है, मैं इतना बोलता हूँ। विपिन पटेल, गुजरात खेलू समाज। हम गांधी व सरदार के स्टेट से आ रहे हैं। गांधी जी ने जैसे नमक का एक सत्याग्रह किया था, पर नमक उठा के पूरे देश में जब तक कर नहीं उठेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, इस तरीके से पूरे देश के किसानों के 3 कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा ने ये शुरुआत की है। और ये लोगों ने भी तय किया है गांधी जी के विचार के मुताबिक कि जब तक के 3 कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहां से हम नहीं उठेंगे। ये मुद्दे को जोड़ के गुजरात भी पीछे नहीं रहा है, लेकिन गुजरात की परिस्थिति आज लोकशाही का, प्रजातंत्र का गला दबा के, पुलिस को आगे बढ़ा के, जय जवान का दिया हुआ नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का मोदी जी तोड़ के, हमारे भाई जवान को हमारे सामने आंदोलन में जाने के लिए, यहाँ दिल्ली आने के लिए रोक रहे हैं, लेकिन
वो हमें सहयोग भी दे रहे हैं। आज जब भारत वर्ष का 8 तारीख का बंद था तो उसी टाइम कहीं ना कानून लगा दिया, 144 कलम लगा दी, हमारे एपीएमसी बंद रखने की थी तो नोटिस जारी करके बंद रखेगा, उनको नोटिस जारी की जाएगी। और जो व्यापारी संगठनों ने रिजोल्यूशन किया था भारत बंद को समर्थन देने के लिए, वो उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको वापस करवाया। हम लोगों ने कहीं एपीएमसी में जाके बंद करवाने की कोशिश की तो हमारे कहीं किसानों को जेल में लेके 4-5 बजे तक रख दिया और बाद में छोड़ दिया। बाद में 10 तारीख का हमारा धरना का कार्यक्रम हमारे डिस्ट्रिक्ट में रखा था। 11 तारीख को गांधीनगर में किसान संसद रखी थी तो धरना के बाद 12 तारीख को मेरे घर से 15 तारीख तक मेरे घर पुलिस बिठा के मुझे नजर कैद कर दिया। 17-18 तारीख को हमें जाना था इसलिए छत्तीसगढ़ वो मीटिंग अटेंड करके मैं यहाँ किसान दिन मनाने के बाद हम यहाँ निकल आए। हमारे साथ 10-15 साथी आए हैं और कहीं बॉर्डर पे 500,000 के ऊपर भी गुजरात के किसान आए हैं। अगर ये दामनकारी जुलमकारी नहीं करते तो गुजरात से कई लोग आने के लिए ट्रेनों में गाड़ियों में तैयार हैं। इसलिए हम विनती करते हैं नरेंद्र भाई से कि आप धनदाता की गोद में बैठे हो, उससे उठकर हम अन्नदाता की गोद में बैठो। क्यों कि आप अन्नदाता के मतों से आप ये गद्दी को संभाल रहे हैं, इसलिए हमारी अपील है और विनती भी है। जय जवान जय किसान। थैंक यू। मैं प्रतिभा शिंदे, लोक संघर्ष मोर्चा, महाराष्ट्र गुजरात से। आप महाराष्ट्र में 22 तारीख को बिरला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो अडानी और अंबानी का बड़ा ऑफिस है उसको 22 तारीख को हजारों हजार किसान और किसान के बेटों ने उसको घेरा था और ये इशारा दिया हुआ है अंबानी और अडानी को कि अगर आप बंबई में आपका जान है और मोदी की जान आपके अंदर है और आप अगर ये कानून निरस्त होने के लिए आपके चौकीदार को नहीं बताएंगे तो हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं। ये एक बात 22 तारीख की हुई और पूरे महाराष्ट्र में जियो और अंबानी के प्रोडक्ट को बायकॉट करने का ऐलान शुरू हो गया। 21 तारीख को ही नासिक से महाराष्ट्र के हजारों हजार किसान महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली के तरफ आए। 5 दिन महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह प्रचार करते हुए कल 2 बजे हमारे हजारों किसान भाई और बहनें शाहजापुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। 1300 किलोमीटर का प्रवास करते हुए वहां पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और जन आंदोलनों का संघर्ष समिति है, उन्होंने मिलकर ऐलान किया है कि 31 तारीख ये की रात को और 1 तारीख किसान के साथ मनाई जाएगी, पूरे सपोर्टर लोग उसको मनाएंगे। और 3 तारीख को सावित्री बाई फुले, जो महात्मा फुले ने शेतकरों का असुर किसान के लिए लिखा था, उनका जन्मदिन है, वो जन्मदिन किसान दिवस पर मनाकर उस दिन पूरे राज्य में धरने किए जाएंगे और आंदोलन किया जाएगा। गुजरात के जो हमारे 127 नेतागण है उनको रोज नरेंद्र भाई मोदी की चलाई हुई भाजपा की सरकार रोज उठा के ले जाती है और वहां पर रोकती है, आंदोलन में आने के लिए रोक लगाती है। हम उनको ऐलान करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये कानून इतना ही किसान के हित में है तो आप गुजरात को खुला कर दीजिए और जिन किसानों को लगता है कि वो कानून उनके पक्ष में, वो आपके पास आएंगे, और जिनको लगता है कि ये कानून हमारे हित का नहीं है वो दिल्ली के तरफ इन सीमाओं में आएंगे। और हम ये खुला आह्वान आपकी तरफ से देना चाहते हैं कि ये दमन मत करिए और पुलिस को हमारे सामने लाकर ये लड़ाई मत करिए। अगर लोकशाही मानते हो तो खुला ऐलान हम लोग मोदी जी को करते हैं। मैं रणजीत सिंह राजू, कन्वीनर ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS गंगानगर राजस्थान। हम राजस्थान वालों की ड्यूटी संयुक्त किसान मोर्चा ने शाहजापुर बॉर्डर पर लगाई है, जो दिल्ली जयपुर हाईवे है और इस देश का आर्थिक कॉरिडोर का रीढ़ की हड्डी है। कल से हमने दोनों साइड पे
दिल्ली कूच करने की कोशिश किया। एक साइड तो पहले बंद थी, जब दूसरी साइड से हमने दिल्ली कूच करने की कोशिश किया तो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्वेता ही रोड रोक दिया और जाम लग गया, जिस कारण आज जब मैं सुबह दिल्ली को आ रहा था तो जयपुर और दिल्ली के बीच में लगभग 4-5 जगह बहुत लंबे लंबे जाम थे। मैं राजस्थान के किसान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा नाका जो संयुक्त किसान मोर्चा ने लगाया है वो शाजापुर बॉर्डर है, जयपुर दिल्ली हाईवे पर। अभी भी कुछ किसान साथी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कुछ नेता हैं ऐसे जो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाजापुर बॉर्डर पे भी कुछ हरकतें हुई, वहां हमने कंट्रोल कर ली, लेकिन कुछ बीजेपी के कुछ अन्य नेता अपने स्वार्थ के लिए शाजापुर बॉर्डर पे ना जाकर यहाँ टिकरी पे बैठे हुए हैं और किसानों को बरगला कर और कहते हैं यहाँ बहुत बढ़िया मेला है, यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है। मैं जो किसान यहाँ आ रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जो भी किसान इस आंदोलन में आ रहा है वो एक सोल्जर की, एक सिपाही की भूमिका निभाएगा, और राजस्थान के सोल्जर की भूमिका शाजापुर नाके पे है, वहां पहुंच गई। और हरियाणा के साथियों से भी निवेदन है, जैसे गुरनाम सिंह ने आज मेरे को कहा और विकास भाई से बात हुई थी, हिसार डब वाली सिरसा से काफी जत्था कल शाजापुर बॉर्डर में पहुंच रहा है। दूसरा हमारा रिलायंस से बायकॉट है, वो तो सबको पता चल रहा है, लेकिन ये फॉर्चून तेल है, फॉर्चून घी है, ये मिस्टर अडानी का है। तो मैं इस मंच के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ साथियों, हमें साथ ही साथ फॉर्चून को भी बायकॉट करना चाहिए। ये भी हमारा लक्ष्य है, इनकी कमर तोड़ना। जो जुगलबंदी चल रही है अडानी अबानी और हमारी सरकार की, उसको तोड़ना हमारा लक्ष्य है। तीसरा, मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहूंगा, जो हमारी गाड़ियां टिकरी से शाजापुर जाना चाहती हैं, रास्ते में जगह जगह रुकावट डाली जाती है। आज ही उग्राहा जी जो इतने बड़े लीडर हैं वो शाजापुर नाके पर जा रहे थे, उनको 3 जगह रोका गया, अंत में गुस्से हो गए, उन्होंने प्रशासन से बात की, फिर एसपी साहब ने स्कोर करके उनको वहां भेजा। रस्ते की गाड़ियों परेशानी की जाती है, ये हमारी सप्लाई है। अगर मोर्चे पे फौजी लड़ रहा है, सरकार पीछे सप्लाई भेजती है, फिर फौजी लड़ सकता है। जो सिपाही हमारे जान आंदोलन में लड़ रहे हैं इनकी सप्लाई जरूरी है। जो लोग सप्लाई कर रहे हैं अगर उन्हें विघ्न डाला जाएगा, उनको तंग किया जाएगा, तो इसका मतलब आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। आंदोलन टूटेगा नहीं, जितना दबाओगे आंदोलन उतना ही और मजबूत होता जाएगा। बीजेपी वालों का घेराव की बात है, सभी से निवेदन है, कल हमारे एमपी का वहां आए थे, उनको एक भी प्रोग्राम गंगानगर में नहीं करने दिया गया, काले झंडे दिखाए गए, बैरंग लौट गए, ना माइक मिला उनको, ना जगह मिली, ना कुछ मिला। और इसके साथ साथ आज सुबह एक सिरसा से भी अच्छी खबर नहीं आई। जैसे बीजेपी वाले लोग 100 झूठ बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद झूठ बोलते हैं, दुख की बात है। नरेंद्र मोदी झूठ बोले कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते दुख है। सिरसा में चुनाव था, कुछ साथी गए अपील करने के लिए भी, अब चुनाव है, आप बीजेपी को वोट मत डालिए। किसान आम जन सड़कों में बैठा है और इनका दिल पसीज नहीं रहा, किसानों से बात नहीं कर रहे, किसानों को दरकिनार किया जा रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी के लोग गुस्सा हो गए और स्वयं वहां के आदित्य देवीलाल जी है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के, वो आए, उन्होंने किसानी के झंडे का अपमान किया, किसानी के झंडे का अपमान मतलब किसान का अपमान किया, और गाड़ी के शीशे तोड़े गए। जब लड़के पुलिस स्टेशन गए तो उनकी एफआईआर लिखी गई। हम इस बात की निंदा करते हैं और हमारा लोकतंत्र अधिकार है आंदोलन करना, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, हमें हमारे संविधान ने दिया है, हमें अपनी बात कहने का हक है। दिल्ली जाएंगे, निश्चित एक दिन जाएंगे, जो तय है, जब भी जाना होगा, जैसे सिख किसान मोर्चा ऐलान करेगा वो करेंगे। मैं आदरणीय कक्का जी से बात करूंगा, वो अपनी बात कहें। कक्का जी नमस्कार सभी बंधु, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया है बहुत लंबा, हम लोग को काफी लंबा समय हो गया है, बहुत प्रधानमंत्री देख चुके हैं, पर इतना भाषण जो सत्य से परे है, जिस भाषण में दुष्प्रचार है, जिसका संत सत्य का कोई अंश नहीं है, ऐसा भाषण भी देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ये हमने पहली बार देखा है। उनके भाषण में है कि हमने C2+50 दे दिया, 2.5 गुना दे दिया,
सर्वोच्च न्यायालय में 2015 जनवरी को सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि हम C2+50 नहीं दे सकते, और मोदी जी कह रहे हैं हमने दे दिया। सही क्या है वातावरण, जो वार्ता का जो माहौल है वो सरकार निर्मित नहीं करना चाहती। जो कल का भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण में एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है, संघ आंदोलन को बदनाम करना है। मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं, केवल हरियाणा में ही, पंजाब में थोड़ा सा, हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन है। हमारे पास लाखों किसान यहाँ पर आके हमसे मिल रहे हैं, मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूँ, पूरे किसान मेरे साथ खड़े हैं। ये क्या है जो किसान आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके हमने फोटो देखे हैं, वो कीटनाशक कंपनियों के कर्मचारी हैं, आपको किसान भी नहीं मिल पा रहे। दरबारी और सरकारी लोगों की भीड़ लगाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बंधुओं, अगर ये बात है कि केवल हरियाणा और पंजाब का है, तो अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 राज्यों के लोग बैठे हैं, अन्य राज्यों के लोग और मीटिंग में थे, वो उतने आ नहीं सकते थे कुर्सियों पर, इसलिए नहीं बिठाया गया है, पर यहां बैठे हुए हैं ये 10 राज्यों के लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी ताकत रखते हैं और अपने संगठन की मजबूती है। बंधुओं, हमारा निवेदन सरकार से केवल इतना है कि सरकार अनुकूल वातावरण बनाए, अच्छा माहौल बनाए, ताकि बहुत ईमानदारी के साथ किसानों की बुनियादी समस्याओं पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हो सके। पर सरकार के पत्र और सरकार के पीएम प्रधानमंत्री जी के भाषण ये अनुकूल नहीं है वातावरण के लिए। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आगे इन बातों का ध्यान रखते हुए एक आदर्श माहौल बनाने के हम सब मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, जैसे कक्का जी ने कहा, आप देख रहे हैं कि भारत सरकार का उसे कुछ ऐसा अंदर से हो गया है कि वो सोते भी जागते भी किसान से घबराने लगी है। किसान का नाम सुनते ही, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं, उबड़वाही उठ के बैठ जाती है। और हमने आज सरकार को चिट्ठी लिखी, आज तक हमें अफसोस इस बात का है कि जो बातें मीटिंग्स में होती रही हैं, सरकार ने वो लोगों से छुपा के हमेशा झूठ बोला और किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। इसीलिए हमने चिट्ठी के शुरू में ही कहा कि सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपकी तरह झूठ बोले, और सरकार से उम्मीद होती है जो है वो बोले। क्योंकि आज तक हमने कभी भी एक बार भी अमेंडमेंट्स की डिमांड पे हामी नहीं भरी। हम हमेशा ये तीनों कानून रिपील करने की, वापस करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार अमेंडमेंट्स की बात करके आंदोलन को बदनाम करने की का काम करती रही है। इसीलिए हमने इस बार बड़ा क्लियर एजेंडा भेजा है कि हम चाहेंगे बताइए हमें कि इन कानूनों को रिपील करने के लिए क्या मॉडलिटीज होंगी, क्या तरीका होगा। हमने जो जो हमारे इश्यूज हैं, एक एक पे हमने मॉडलिटीज बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए बड़ा क्लियर लिखा है। और कल सारी मोदी सरकार सारे देश में वाजपेयी जी के याद में किसान को बदनाम करने में लगी रही, दूसरा कोई काम ही नहीं। और कल मुझे अफसोस हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने उखड़े उखड़े थे कि उनको जैसे कई रात से नींद नहीं आई। तो हम चाहेंगे कि सरकार, हमने चिट्ठी लिख के कह दिया है कि अगर आप कहते हो कि हम बात नहीं करते, हम बात करने के लिए तैयार हैं,
इन मुद्दों पे बात करेंगे और 29 तारीख को 11 बजे हम बातचीत के लिए आने को तैयार हैं, लेकिन आप जो हमने एजेंडा दिया है इस पे बात करने की तैयारी कर लो और देखेंगे। सरकार से निवेदन है कि सरकार की बदनामी देश की बदनामी है, इतना नीचे ना गिराओ सतर्क को। प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये सर्वे होने लगे कि एक दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, फिर कहा जाए कि 58 टाइम्स झूठ बोलते हैं, तो मैं समझता हूं ये देश के लिए एक कलंक है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है, देश का चेहरा होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं तो देश की छवि खराब होती है। तो मैं हमें इसका बहुत कष्ट है, हम इस देश के सिटीजन हैं, हम किसान हैं, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं। हमारे प्रधानमंत्री की बदनामी हो, उससे देश की बदनामी हो, इसका हमें दुख है। उम्मीद है कि वो हमारी बात मानेंगे, इन फ्यूचर झूठ बोलना छोड़ दें, अपने जीवन शैली में सच बोलने का जो है वो शक्ति पैदा करें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। किसान की बात सुने, किसान की बात मान के उसे कुछ कुछ घर भेजे और इसी के लिए हमने चिट्ठी लिख दी है। धन्यवाद। अब राजेंद्र सिंह जी। शुक्रिया राजीवाल साहब, शुक्रिया सभी पत्रकार भाइयों और बहनों का। 29 तारीख को हमने प्रपोजल भेज दिया सरकार को बातचीत करने के लिए। अगर 29 तारीख को सरकार इन लॉज को निरस्त करने की ओर नहीं बढ़ती, वो मॉडेलिटीज नहीं तय करती, तो 30 तारीख को जो केएमपी रोड है वहां पर सिंगू से हजारों ट्रैक्टर ट्रालीज और इकट्ठी की जाएंगी, पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे सराउंडिंग स्टेट से। सभी सराउंडिंग स्टेट्स के किसानों को हमारा आह्वान है कि आप बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर 30 तारीख को 12 बजे तक सिंगू पहुंच जाइए। सिंगू से हम टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेंगे रोड पर। फिर अगर ये हाईवे जाम हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार की होगी। इसलिए वो अगर चाहते हैं कि ये परिस्थिति ना बने तो 29 तारीख को ये इन लॉज को निरस्त करने की वो बात हमारी, वो जो हमने जो प्रपोजल भेजी है उस पर वो सॉलिड बात करें और बात को आगे बढ़ाए। दूसरी बात कि 2021 जो आने वाला साल है, डॉक्टर दर्शनपाल जी ने बताया कि 1 जनवरी को सभी लोगों को हम ये निमंत्रण दे रहे हैं कि आप अपना नया साल जहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ आकर मनाए, क्योंकि ये अपने घर जाकर नहीं मना सकती, तो ये देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को अन्न देने वाले लोग हैं, तो इनके साथ वो सेलिब्रेट करें। और अगला साल मोदी सरकार के लिए किसान आंदोलन की तरफ से बहुत भारी रहने वाला है, इसलिए वो इसी साल में मामला ये निबेड़ ले तो बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात, जो हम गुरु साहब के चारों साहबजादों का उनका शहादत दिन मना रहे हैं, उसमें एक बहुत अहम बात है, वो इस देश में जो हमारी सेकुलर वैल्यूज हैं उनको लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो हम उन जब साहबजादों की शहादत दिवस पर उनको नमन करेंगे तो हम नवाब शेर मोहम्मद खान मलेरकोटला की लेगेसी को, दीवान टोडरमल की लेगेसी को, मोतीलाल मेहरा की लेगेसी को और गुरु साहिबान की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ताकि इस जाबर सरकार के खिलाफ फिर सभी लोग, इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख इकट्ठा होकर सभी लोग, इस देश के मेहनतकश लोग एक इस जाबर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। आप कीर्ति किसान यूनियन के राजेंद्र सिंह जी। ऐसे है कि सभी जो रिस्पेक्टेड है सभी बातें कवर कर ली हैं, लेकिन आज ये मौका आ गया है कि 2 हफ्ते पहले मैं स्टेज पर भी बोला था पंजाब के संगठनों की तरफ से कि ये किसी एक राज्य का नहीं है,
किसी एक रिलीजन का नहीं है, ये किसानों का संघर्ष है, लेकिन किसानों से आगे बढ़कर ये आम लोगों का संघर्ष बन गया है देश का। इसीलिए मैं सभी स्टेट जो अभी 12 से 13 स्टेट के लोग बॉर्डर पर इतनी सर्दी में आकर बैठे हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, और ये जो साउथ जो सर्दी को कभी देखते नहीं है वो भी आए हैं, पंजाब के संघर्षों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। यही है और मान महसूस करता हूँ कि जो हमने बोला था कि किसी एक राज्य का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये सारे देश का, सारे लोगों का है। अब हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सबको आप दिखाई दे रहा है कि सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जहां बैठे हैं वहां बॉर्डर में जाकर देखिए, सभी मिलेंगे, कम से कम 12 स्टेट के आगे हैं। और आपके जरिए सभी देशवासियों को, कोई बंगाल के हैं, असम के हैं, कश्मीर के हैं, सभी को बेनती है, ये संघर्ष जो है लोगों का संघर्ष है, और एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन, और जो इन्होंने कत्ल किए हैं आम गरीबों का, खेती सेक्टर का, उस कत्ल वर्ट को खत्म करने के लिए एकजुट हो, और सभी स्टेट के लोग जहां पहुंच गए हैं इसके लिए सभी का धन्यवाद। हम धन्यवाद बहुत लेते रहे हैं कि पंजाब ने शुरू किया है, आज मौका हमें मिला है पंजाब के लोगों का, सभी स्टेट के किसान आगुओं का धन्यवाद करने का। साथियों, मैं हरपाल सिंह बिलारी उत्तर प्रदेश से हूं, और मैं आपको ये विशेष बताना चाहता हूं कि हम तो शुरू से ही आंदोलन के साथ हैं जब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन पूरा मीडिया, पूरी सरकार इस बात के प्रचार में नहीं है कि इस आंदोलन का पश्चिम उत्तर कोई असर नहीं है। कल पीयूष गोयल जी गाजियाबाद गए थे और वहां उन्होंने मीटिंग की थी, आकर वहां भी यही दोहराया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की, योगी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा दमन चक्र आज तक इतिहास में कभी आपने सुना नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ता जो गांव-गांव में जाकर मीटिंग करते हैं और यहां दिल्ली आने की लोगों को प्रेरित करते हैं, तो सरकार द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, मेरे पास एक पूरा प्रूफ है, 50-50 लाख रुपए के मुचलके भरवाए गए हैं, नोटिस जारी किया गया है, और हमसे यह कहा जा रहा है कि आप लोग भारतीय किसान असली के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर भ्रम फैला रहे किसानों में कि जो बिल सरकार लाई है वो गलत है और आप दिल्ली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। इसलिए आपको 50-50 लाख रुपए में बाउंड किया था और इतनी धनराशि आपको जमा करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, और एक साल तक आप अपने घर से निकल कर नहीं जाएंगे। ये मिसाल है हिंदुस्तान में एक आंदोलन को दबाने की, क्रूर मिसाल है योगी सरकार की, ये आप देख सकते हैं सामने। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमसे कुछ साथी पूछते हैं आंदोलन कब खत्म होगा, हमारा एक ही जवाब है उनके लिए, जिस दिन सरकार बिल लाई थी उस दिन आंदोलन शुरू हुआ है, और सरकार बताने वाली तारीख कि किस दिन बिल वापस लेगी उस दिन आंदोलन खत्म होगी। बड़ा स्पष्ट हमारा कहना है, इसमें बीजेपी को रास्ता नहीं है। तो साथियों बता जाता हूँ, कल इन्होंने क्या किया, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिना 22 सरकारी कर्मचारियों से मीटिंग बुलाई, एलईडी लगाई, और प्रधानमंत्री का भाषण सुनाया गया, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो बिल लाए हैं हम पूरे देश के लिए लाए हैं, ये सही बिल है। लेकिन कल इनको एक तंबू खानी पड़ी है कि हमारे जनपद अमरोहा में, जनपद संभल में, पूरे पश्चिम के कई जिलों में इनके वहां जाकर किसानों ने थाली बजाई, ताली पीटी, घंटे बजाए और वह शंख बजाए, और इनको वहां मीटिंग नहीं करने दिए, और किसानों ने साफ कह दिया, अब आप कुछ भी कहना चाहें, आप कितने प्रचार करें, लेकिन ये पूरा देश जान चुका है ये बिल हमारे खिलाफ है, और ये कानूनी गारंटी जो है इसके एमएसपी की, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहां जहां सरकार भाजपा की है स्टेट में, बहुत दमनचक चला जा रहा पूरी तरीके से, अगर आज ये ऐलान होता है यहाँ तक, कल ये कार्यक्रम होगा पूरे देश में, तो आज ही पुलिस पहुंच जाती कार्यकर्ता घर हमारे यहाँ, कल आप जान है घर से निकल कर, लेकिन उसके बावजूद भी ये रोक नहीं पाएंगे। तो मैं अपनी बात ज्यादा लंबी ना कहते हुए आपसे स्पष्ट करता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश में आंदोलन फैल चुका है, और देखिए आप बेशर्मी, देखिए आप 2 महीने से उत्तर प्रदेश के साथ गन्ना डाल रहे हैं मिलों पर, अभी तक योगी जी को इतना टाइम नहीं मिला कि गन्ने पर ही बता दे रेट क्या पड़ेगा, ब्लैंक पर्ची में गन्ना डाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, 9000 को पिछला बकाया है, 11000 को बकाया हो चुका है, और उसके लिए टाइम योगी की बात नहीं है मुख्यमंत्री के पास, और मुख्यमंत्री के पास टाइम इसलिए है कि मुचल के भरवा के 50-50 लाख रुपए किसानों के, ये टाइम मुख्यमंत्री के पास है,
और ये प्रचार करने का टाइम उनके पास है कि आंदोलन गलत चल रहा और हम जो बिल लाए सही लाए। तो साथियों मैं इस पर कहना चाहता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश पूरा देश और ये ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है पूरे देश का पूरी दुनिया का, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और कामयाबी मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। राजवाल साहब पहला सवाल ये है कि 20 की दिन बाद मीटिंग होने जा रही है, 20 की दिन बाद मीटिंग होने जा रही है, कितनी को उम्मीद तो इस मीटिंग तो है, उम्मीद है या नहीं है, लगता है केंद्र सरकार सोचती है? जिस तरह का हुण तक दा तजर्बा है मैं कुछ कह नहीं सकता, इस सरकार ते कोई विश्वास तो है नहीं, कोई विश्वास नहीं। डॉक्टर सरकार वालों कोई जवाब आया तुहाडे प्रपोजल दा? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਚ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਨੀ, ਹਦਾਇਤ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੋ 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 ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ। वो बात दोहरा दूं जो सर ने पंजाबी में बताई थी, सात मेंबरी कमेटी कोई आज की चीज नहीं है, इस आंदोलन की जब कॉल दी गई थी यानी कि 26 को यहाँ पहुंचे थे, उससे बहुत पहले की सात मेंबरी कमेटी बनी हुई है, वो बीच बीच में मिलती रहती है, जिसका मतलब ये कतई नहीं है कि सरकार से नेगोशिएट करने सात लोग जाएंगे, वो जो चल रहा है वही सिस्टम चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा, ये जो आप कह रही है कि सरकार तो नहीं बदलेगी, मेरे ख्याल में आप भी मान गए कि सरकार अड़ियल है, मैं तो मान के चलता हूं कि सरकार, हम तो बड़े खुले मन से जा रहे हैं, हम फ्लेक्सिबल भी हैं। देखिए सरकार इसको रिपील करने की मोडेलिटी ए बनाए, मोडेलिटी बी बनाए, मोडेलिटी सी बनाए, हम फ्लेक्सिबल है, बात करेंगे जरूर सीखेंगे, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होगी कि रिपील करना है कि नहीं करना, करने की मॉडेलिटी क्या होगी इस पे चर्चा होगी, एमएसपी का लीगल राइट देना है या नहीं इस पे चर्चा नहीं होगी, देने का मैकेनिज्म क्या है इस पे चर्चा होगी। इन बातों पे ना जाए तो बेहतर है, जो डिपेंड करता है यार, हम उन्होंने कहा था हमने जवाब दे दिया, थोड़े मैच्योर उन्होंने कहा कि कब आप बात करना चाहेंगे, उन्हें हमसे पूछा, हमने 19 तारीख दे दी। इस सवाल का जवाब आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा जो इस देश में पिछले 6 साल से नहीं हुई है।